नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। आज जो टॉपिक हैं संविधान के राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित में हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को चयन किया है और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान के राज प्रमुख का पद कब समाप्त हुआ? ऑप्शन है 1 नवंबर 1956 को, ऑप्शन दो है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन तीन है 15 मई 1949 को, चौथा है 18 अप्रैल 1948 को। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 1 नवंबर 1956। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है? तो राजस्थान के राज्यपाल का कार्यकाल कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर एक यहां पर सही हो जाता है, 156। अनुच्छेद 156 में राजस्थान के राज्यपाल का या भारतीय संविधान में राज्यपाल के संबंध में कार्यकाल के संबंध में दिया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, किस प्रांत के राज्यपाल को? ऑप्शन है कोई विवेकाधिकार नहीं है, ऑप्शन दो है बहुत व्यापक विवेकाधिकार हैं, ऑप्शन तीन है कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार हैं, ऑप्शन चार है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार प्रोवाइड करवाया गया है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है 30 मार्च 1949 को, जब वहद राजस्थान का राज्य का गठन किया गया था तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सवाई मान सिंह को। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, सामान्य राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर विधानसभा का अधिवेशन बुलाता है, परंतु असाधारण परिस्थिति में राज्यपाल स्वविवेक से भी विधानसभा का अधिवेशन बुला सकता है, ये किस अनुच्छेद में उल्लेखित हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हैं आपके सामने, ऑप्शन राइट हैं ऑप्शन नंबर चार, 174 अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के बिना भी एक विधानसभा में अधिवेशन बुला सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन को, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन हैं? जो प्रोटोकॉल हैं भारतीय नवाचार, उसके अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है उप मुख्यमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, अपने राज्य के राज्यपाल, ऑप्शन चार हैं लोकसभा अध्यक्ष। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन, अपने राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट हैं अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य की संचित निधि निम्न में से किसके अधिकार में है? जो राज्य की संचित निधि होती है वो किसके अधिकार में होती हैं? ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन दो है विधानसभा, ऑप्शन तीन है राज्यपाल, ऑप्शन चार है मंत्रिपरिषद। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर तीन यहाँ राइट हैं। नेक्स्ट हम बात करें कौन सा सही सुमिलित नहीं है? अनुच्छेद 153 राज्य का पद राज्यपाल का पद, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, ऑप्शन नंबर तीन अनुच्छेद 154 राज्यपाल की कार्यपालिका सत्या, ऑप्शन नंबर चार अनुच्छेद 155 राज्यपाल का पद से हटना। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हैं जो सुमिलित नहीं होता है वह हैं ऑप्शन नंबर चार, बाकी सभी तीनों के तीनों सही हैं। अनुच्छेद जो राज्यपाल का पद है 156 में दिया हुआ है, 156 में पदावधि दी है, 53 में पद दिया है, कार्यपालिका सत्या 154 में दी है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर चार हैं यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 100 जो ऑप्शन 155 है ये सही नहीं है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान के राज्यपालों में से कौन हिंदुस्तान एरोनॉस्टिक लिमिटेड के अध्यक्ष रह चुके हैं। ऑप्शन एक है ओपी मेहरा, ऑप्शन दो हैं रघुकुल तिलक, ऑप्शन तीन हैं सुखदेव प्रसाद, ऑप्शन चार हैं एम चन्ना रेड्डी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओपी मेहरा, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया जा चुका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है, ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही है। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में अब तक 4 बार लग चुका है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श पर करता है। ऑप्शन है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट हम बात करें निम्नलिखित कथनों में से सही कथन क्या है। तो ऑप्शन है एक है एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का या संघ शासित प्रदेशों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन दो हैं राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर तीन है राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व होता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त सभी। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर तीन, ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर सही है, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल सही है। और तीनों जो वाक्य हैं हमारे सामने कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, ये भी सही है। राष्ट्रपति राज्यपाल को कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटा सकता है। ऑप्शन नंबर तीन राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है राज्यपाल के संबंध में यह किसने कहा। यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है तो वह उसको पद नहीं वरन वेतन का आकर्षण है। तो ये किस विद्वान ने कहा है, ये कहा है विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा। ऑप्शन नंबर तीन यहाँ पर करेक्ट है, ये कहा है राज्यपाल के संबंध में यदि कोई व्यक्ति इस पद को स्वीकार करता है उसको पद नहीं वरन वेतन का आकर्षण है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा ये वाक्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल और राष्ट्रपति में समान रूप पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर एक है सत्रावस्थान व आहूत करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर दो है संबोधन करने एवं संदेश भेजने का अधिकार। ऑप्शन नंबर तीन है विघटित करने का अधिकार। ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो संबोधन करने और संदेश भेजने का अधिकार। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की विधानसभा मंडल द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। ऑप्शन नंबर एक है स्वीकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर दो है पुनर्विचार एवं विधानसभा को वापस भेज सकता है। ऑप्शन नंबर तीन है राष्ट्रपति स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्नांकित कथन में से सत्य कथन बताइए। ऑप्शन एक है राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति के बिना राज्य विधानमंडल का कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर दो है राज्यपाल विधानमंडल से पूरक अतिरिक्त तथा अधिक अनुदान की मांग कर सकता है। ऑप्शन नंबर तीन है राज्य की संचित निधि राज्यपाल के ही अधिकार में रहती हैं। ऑप्शन नंबर चार है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की राज्यपाल नियुक्ति में भारतीय संविधान के किस संविधान का अनुसरण करता है।
ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, आयरलैंड। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, कनाडा। राज्यपाल का जो पद है वो संविधान के किस संविधान के अनुच्छेद, कनाडा के संविधान के अनुसरण करता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं या अच्छे लग रहे हैं तो लाइक और शेयर करता है, ठीक है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यपाल पद पर नियुक्ति के लिए व्यक्ति की क्या अर्हताएँ होनी चाहिए, यानी कि क्या योग्यताएँ होनी चाहिए। पहली बात, ऑप्शन एक, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ऑप्शन नंबर दो है, वह भारतीय नागरिक हो। ऑप्शन नंबर तीन है, वह किसी लाभकारी पद पर ना हो। ऑप्शन नंबर चार है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, ठीक है। राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में, ऑप्शन नंबर एक, राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर दो, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू करते हैं। ऑप्शन नंबर तीन, राज्यपाल के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन करते हैं। ऑप्शन नंबर चार, वित्तीय आपात लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू किया जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, भारत में राज्यों में संवैधानिक आपात लगाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है। तो संवैधानिक आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगता है, वही है संवैधानिक आपात अनुच्छेद 356। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से किस राज्य में राज्यपाल के कुछ विशेष कार्यों के बारे में स्वविवेक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। कौन से राज्य हैं जहाँ पर स्वविवेक शक्तियाँ प्रदान नहीं की गई हैं। ऑप्शन नंबर सेकेंड है, यूपी में ऐसा नहीं है, ठीक है। स्वविवेक की शक्तियाँ राज्यपाल को नहीं है यूपी में। नेक्स्ट हम बात करें, निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने से संबंधित प्रावधान है। अब ये कौन से अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर करेक्ट है, सातवां संविधान संशोधन में। सातवें संविधान संशोधन में ये लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक है, पॉइंट एक है, राज्य की कार्यवाही शक्तियाँ राज्यपाल में प्राप्त होती हैं। ऑप्शन नंबर दो है, पॉइंट नंबर दो है, उसे 35 वर्ष की आयु से कम नहीं होना चाहिए। और पॉइंट नंबर तीन है, वह राष्ट्रपति की सहमति से पद पर बना रहता है। पॉइंट नंबर चार है, राज्यपाल को पदच्युत करने के आधार पर संविधान में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, यहाँ पर जो पद से हटने का जो प्रावधान है वह संविधान के उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन पॉइंट राइट हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करें, राज्यपाल विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी अनुशंसा पर प्रस्तुत कर सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल की अनुशंसा पर वह धन विधेयक प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है अपने पास में, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेल्ट हो गए हैं तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राजस्थान में कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व भी मंत्रिपरिषद में मंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कौन थे जो मंत्री पद पर नहीं रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सेकंड है ये राइट हो जाता है, सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक और चार, यानी कि भैरव सिंह शेखावत और जयनारायण व्यास। नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार राज्यपाल की जानकारी देना मुख्यमंत्री का क्या है। अधिकार है, कर्तव्य है, विशेषाधिकार हैं, दायित्व हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट ये हैं, कर्तव्य हैं। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान की प्रथम विधानसभा गठन के पश्चात निम्न में से मुख्यमंत्री किसका कार्यकाल सबसे कम रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट हम बात करें, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से कौन भारत का संविधान सभा का सदस्य नहीं रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर 4 टीकाराम पालीवाल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में किसी राज्य का राज्यपाल नहीं रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शिवचरण माथुर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें अगले क्वेश्चन की। राजस्थान के किस मुख्यमंत्री में काम चलाओ सरकार यानी कि केयर टेकर के रूप में गवर्नमेंट के रूप में विरुद्ध विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो इस किसके शासनकाल में ऐसा हुआ है, किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में ऐसा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर टीकाराम पालीवाल के काल में ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत सरकार के किस संविधान संशोधन अधिनियम में किस संविधान के अनुच्छेद में उल्लेखित है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है, 164 में ऐसा लिखा है। नेक्स्ट हम बात करें संविधान के अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राजस्थान का मुख्यमंत्री होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री का भी नियुक्त होता है। नेक्स्ट हम बात करें राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार अविश्वास प्रस्ताव हुआ है और उस पर चर्चा हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बार ऐसा हो चुका है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।